लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है, उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है। यह कहा जाता है कि इस शहर का नाम भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर पड़ा था। 19वीं सदी के अंत तक इस शहर को लखनपुर कहने की परंपरा चली आ रही थी। एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम न हो और बदला है। इसको हमने बहुत सोच समझकर हमारी सरकारों ने फैसले लिए। तो भैया लखनऊ के नाम को लेकर छिड़े विवाद पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बयानबाजी शुरू हो गई है, जहां लखनऊ में हुए इन्वेस्टर समिट में तमाम नेताओं ने शिरकत की, जिनकी तरफ से लखनऊ को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की नगरी से जोड़ दिया गया। फिर चाहे उसमें रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी रहे हों या फिर देश की सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन बयानों के बाद आरोप लगाए जाने लगे कि क्या सरकार देश में मुगलों के कामों की विरासत को मिटाना चाहती है, तो इस पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा जवाब दे डाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने नाम बदलने की राजनीति पर कहा कि हमने किसी ऐसे शहर का नाम नहीं बदला जिसका पुराना नाम नहीं था, हमने इस पर सोच समझ कर फैसले लिए हैं। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो इट इज राइटिंग अ री इमेजिन्ड हिस्ट्री, मतलब करंट जो है वो तो चल ही रहा है लेकिन हिस्ट्री को भी रीराइट कर रहा है, कश्मीर को लेकर कहा जाता था। और इट्स सेड अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो कि आप जो है वो यू आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट विच यू वांट टू इरेज अ सर्टन पास्ट, कि मुगलों को इरेज कर देते हैं, जो नेहरू जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे इरेज किया जा रहा है। राज्यों में जो हो रहा है वहां पर भी आप जैसे कह रहे हैं कि रीनेमिंग ऑफ सिटीज, आपने लखनऊ को रीनेम करना है, हर चीज, मतलब जो मुगलों का जो कंट्रीब्यूशन है उसे हटा दीजिए, नेहरू परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है उन्हें कंट्रीब्यूशन कोई नहीं हटाना चाहिए, ना हम भी हटाना चाहते हैं, परंतु इस देश की परंपरा को अगर कोई स्थापित करना चाहते तो इसमें किसी की आपत्ति नहीं। और जो रीनेमिंग ऑफ सिटीज की बात चल रही है, देखिए एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम न हो और बदला है। इसको हमने बहुत सोच समझकर हमारी सरकारों ने फैसले लिए हैं और हर सरकार का विधायी अधिकार है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा तंज किया। अमित शाह ने कहा कि 3 राज्यों में चुनाव है लेकिन उनको चुनाव प्रचार करने तक की फुर्सत नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी काफी रैटल हो गई है, डर गई है कि राहुल गांधी का इमेज चेंज हो गया है। चलिए वो उनका एक विचार है, मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की बातों को देश की जनता सही मानती है। राहुल गांधी तो आए नहीं कैंपेन करने के लिए, त्रिपुरा तो आए नहीं, वो आना ना आना उनकी फुर्सत का सवाल है, परंतु परिणाम तो आना चाहिए ना, देखिए ना क्या आता है अभी काउंटिंग के दिन। लेकिन 3 राज्यों में है, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, तीनों पुराने कांग्रेस के राज्य हैं जी, कितनी मजबूती मिलती है देखते हैं परिणाम। फिलहाल लखनऊ का नाम बदलने को लेकर चर्चा हो या फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीति, अमित शाह राजनीति के माहिर खिलाड़ी के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में क्या किसी और शहर के नाम बदलने का फैसला लिया जाता है या फिर खबरों में इस तरह की चर्चाओं को बनाकर राजनीतिक लाभ को भुनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।